अरे आ गए आप लोग। क्या हाल है भाई, क्या हाल है, बड़े दिन में दर्शन किए हैं। हाँ तो भैया, आज की जो हमारी वीडियो, बस एक छोटी सी शायरी मैं पहले आपके सामने पेश करूँगा, वही इसमें हिंट है जी। तो प्लीज़ मेरी शायरी को ध्यान से सुनना। राजा के हाथ में होता है जी भाला, राजा के हाथ में होता है भाला, जो बादाम ना खाए वो रहता है काला। हाँ तो भैया, आज की वीडियो हमारी स्पेशली बादाम के ऊपर है भैया। अब हमें पता है, आपको पता है, जिम बंद है, जो हमारे पहलवान पहलवान दोस्त है, जब तो यहाँ ठुकवा के बैठे, कोई यहाँ ठुकवा रहा है, जब तो मॉन्स्टर बने बता रहे हैं कि सप्लीमेंट वाला टाइम तो ले लिया, और उसको हजम कैसे करें। तो भैया तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ना है, तुम एक बहुत ही अच्छे प्रवेश द्वार पाए, बहुत ही पवित्र शो है जी हमारा। इसको आप चाहे मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ, चाचा चाचा के साथ, सबके साथ देखिए, बहुत ज्ञान सीखने को मिलेगा। टेंशन की कोई बात ही नहीं है भैया, बता देता हूँ, बादाम आपके काम आता है बॉडी बनाने के। अब वो किस तरह आता है भैया, सबने सुनी होगी मम्मी से, बेटा चार बादाम खा ले, बहुत काम आने वाला है, दिमाग की शक्ति बढ़ेगी। शक्ति तो मम्मी ये भी ऐड आती थी, मेंटोस खाने से भी बढ़ती है, तब बादाम में क्या राज है। तो भैया टेंशन मतलब बता रहे, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। तो भैया बादाम खाने से आपका दिमाग तो बढ़ता ही बढ़ता है, इसके साथ साथ हमारी बॉडी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो बादाम उस जगह पे असर करती है। तो भैया कौन कौन सी चीज़ें, उसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारी पूरी वीडियो, तो कहीं मत जाओ भाई, बता रहे हैं। थोड़ा वापिस पसीना साफ कर लेते हैं। हाँ तो मेरे पहलवान भाइयों, तुम्हें बता देता हूँ, ज्ञान की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर सप्लीमेंट लेके या उन्हें ठुकवा के अगर परेशान हो तो भैया कोई दिक्कत वाली बात ना है, अभी इलाज हो जाएगा वह चीज़ का। अभी मेरा कहना मान लो, घर पे हो, लॉकडाउन में एक्सरसाइज करो और बादाम खाओ, बादाम आपके काम आने वाला है। हेल्दी बेनिफिट और बादाम के बारे में अब डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन फैक्ट्स को लेके। तो चलिए, तो पहले मैं बताता हूँ थोड़ा बादाम का आपको इतिहास। अरे भैया वैसा इतिहास ना बता रहा, कोई उसके लिए गुथाई गुथाई नहीं होती। बादाम को बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए माना गया है क्योंकि बादाम आज के टाइम में बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट है खाना, क्योंकि हमारे बहुत जगह काम आता है, बॉडी गुड़गायक है। इसमें पाए जाते हैं आपके फैट, विटामिन, मिनरल्स और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जिनका हम अब बात करने वाले पहले विस्तार से। तो पहले मैं बात करूँगा हेल्दी बेनिफिट्स को लेकर, जिनमें से पहले बताऊँगा मैं दिमाग की शक्ति के बारे में। दिमाग की शक्ति मीन्स माइंड पावर को कैसे इंक्रीज करता है। तो दोस्तों बादाम आपके काम आता है माइंड की पावर को इंक्रीज करने के लिए। तो आपने ये भी सुना होगा, मम्मी रोज़ कहती हैं बेटा चार पाँच बादाम रोज़ खाया कर, भिगो के, उससे भैया कुछ नहीं होता। मैं बता देता हूँ, ये तो टीवी में भी सुना होगा आपने कि मेंटोस खाएं दिमाग की बत्ती जलाए। भैया मेंटोस से दिमाग की बत्ती आज तक तो मैंने जलती देखी ना है, लेकिन इतना पता है बादाम अगर 4 से 5 रेगुलर खाओगे तो इतना है कि मेमोरी आपकी धीरे धीरे शार्प होनी स्टार्ट हो जाती है। और हाँ, उन मेरे अंकल आंटी प्यारे से दादा दादी जी के लिए बता देता हूँ, भैया अंकल जी आपको अगर कोई बीमारी है, आपको खासकर उन चीज़ों को लेके कि आपको भैया कहाँ आपकी बीड़ी धरी है, कहाँ आपका हुक्का धरा है, तो भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अंकल जी आंटी जी दादा दादी मेरे प्यारे, कोई दिक्कत वाली बात ना है जी, बस बादाम खाना स्टार्ट कर दो, 4-5 बादाम रेगुलर खाओ, ऐसी बुद्धि दौड़ेगी घोड़े की तरह, वही जवानी फूट के निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं, बादाम खाओ। तो मेरा भैया बादाम के अंदर आता है आपका मैसिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि अगर मैं बताऊँ फाइबर, मैग्नीशियम और प्रोटीन, कैलोरीज, बहुत सी चीज़ें भैया बादाम से बनाए जाते हैं आपके, जैसे घी, बटर, ऑयल, तेल, अरे वही तेल रोज़ सुबह जो बालों में लगता है, डाबर आंवला का तेल, वही वाला तेल आपके लगता है उसको, वो भी आपके बादाम से ही बनता है। तो भैया इसके साथ साथ बादाम में होते हैं हमारे एक्सी ऑक्सीडेंट्स क्या काम करते हैं, जैसे कि किसी बंदे को कैंसर की बीमारी है या फिर कोई अन्य बीमारी है, जैसे मैं बताऊँ हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में, और जैसे कि ब्लड शुगर के बारे में, कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में मैंने एक वीडियो और बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ भी देख सकते हो, चॉकलेट के ऊपर है भैया, उस वीडियो को भी देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो भैया मेरे, मैं बात कर रहा था फिलहाल किस चीज़ को लेके, एंटीऑक्सीडेंट्स को लेके, भैया अंग्रेजी थोड़ी कम है, हंसने की कोई बात ना है हमें। तो भैया एंटीऑक्सीडेंट्स में आते हैं आपके, जैसे कि आपको कोई कैंसर की बीमारी होगी है या फिर कोई डिजीज़ होगी, भैया कुछ ना 28 ग्राम बादाम खा लो, 28 ग्राम कितना, दिन के 10 से 12 पीस बादाम खाओ, उससे क्या होगा, एक कैंसर की बीमारी होगी ख़त्म, धीरे धीरे ख़त्म होती है, हर चीज़ एक साथ तो ख़त्म होती नहीं। और भैया उन मेरे गोरे गोरे चिकने चिकने लड़कों के लिए बता दूँ, बादाम खाने से ना गोरे भी होते हैं। तो भैया मेरे गोरे गोरे लड़का ने उन गाना सुना होगा, काला चश्मा जचदा है मेरे गोरे मुकड़े पे, काला चश्मा जचदा है मेरे गोरे मुकड़े पे। हाँ तो भैया अब मैं बात करूँगा आपसे विटामिन ई को लेके। भैया बादाम के अंदर फैट सॉल्युबल ऑक्सीडेंट्स का घर माना गया है विटामिन ई को, किस प्रकार से मैं बता देता हूँ आपके, 10 से 12 पीस बादाम मतलब 28 ग्राम बादाम खाने से उसमें होता है आपके 37%
आपका क्या कहते हैं विटामिन ई। तो भैया एक चीज़ और बता देता हूँ, विटामिन ई आपके काम आता है दांतों में और हड्डियों में। भैया मेरे शरीर पे मत जाओ, मेरी ऐसी फ़ोटो ना है, अगर मैं अपनी फ़ोटो दिखाऊँ तो तुम भेज जाओगे, देखोगे तो यूँ देखो मेरी फ़ोटो। हाँ तो भैया अब मैं आपसे बात करूँगा अगला कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेकर। तो चलो भैया, तो मेरे दोस्तों अब हम बात कर रहे थे कोलेस्ट्रॉल लेवल को। तो भैया मैं बता देता हूँ, हमारी बॉडी में होते हैं टू टाइप के आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल, एक तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये कैटेगरी होते हैं, मतलब आप ये भी कह सकते हो भैया कोलेस्ट्रॉल के आपके दो बच्चे होते हैं, एक तो HDL और एक LDL। तो भैया LDL बच्चा होता है वो होता है शरारती, मतलब LDL आपके लिए बैड है, गंदा है। आपको अगर LDL की प्रॉब्लम है, मीन्स आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, तो भैया सीधी सी बात है आपके क्या तो कैंसर की प्रॉब्लम बनेगी, क्या तो हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम बनेगी। अब मैं बता देता हूँ उसको दूर कैसे किया जाए। भैया HDL को माना जाता है ताकतवर और सबसे गुड, वो कैसे माना जाता है मैं बताता हूँ, क्योंकि HDL माना जाता है हमारा हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर आपको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बनाना है अपने शरीर के अंदर, तो किस तरह से बनाएंगे? उस तरह से ही है भैया, जैसे मास्टर पीछे सोटन ने मारता है। तो भैया मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप बादाम खाते हो डेली टू डेली, तो बादाम से क्या होगा, धीरे धीरे आपका LDL कन्वर्ट होने लग जाता है HDL में। जैसे कि एक बच्चा ढोर होके भी पढ़ के एक टॉपर बन जाता है, उसी तरह से आपका LDL भी कन्वर्ट होके HDL में बन जाता है। इसके साथ साथ अब मैं आपसे बात करूँगा लास्ट शुगर लेवल को लेके। तो हाँ जी मेरे प्यारे अंकल अंटी, ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दादा दादी हैं जो मेरे अंकल अंटी चाचा चाची जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फूफा फूफी, तो मैं बता देता हूँ ब्लड जो ब्लड की जो प्रॉब्लम होती है शुगर कंट्रोल की, ब्लड शुगर कंट्रोल, तो उसमें आपके क्या होता है, जिस किसी की बॉडी का होता है जी मैग्नीशियम कम, तो मैग्नीशियम ज़्यादा कैसे बढ़ा है तो उसको मैं बता देता हूँ। नट्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं लो इन कार्ब्स के लिए, बट उनका जो प्रोटीन और फाइबर होता है ना, उसके साथ साथ जो आपके मैग्नीशियम की मात्रा होती है वो होती है ज़्यादा। तो मेरे अंकल आंटी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो शुगर की प्रॉब्लम से परेशान है, तो अंकल जी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ बादाम खाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बादाम में होता है मैग्नीशियम ज़्यादा। ज़्यादा मैग्नीशियम क्या करेगा, जो आपके सिंड्रोम्स है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स है उनको इम्प्रूव करता है, उससे आपके जो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है और कंट्रोल में भी आ जाती है। हाँ तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपने अभी देखा था हेल्दी बेनिफिट को लेके, हुआ आपका इंतजार खत्म, जो था सरप्राइज वो था ये था। अब मैं बताऊंगा सिर्फ न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बारे में, मतलब जो आपकी पूरी टेबल है जैसे 2 × 4, 4 × 8 वो वाली टेबल नहीं जी, मैं बताऊंगा कि आपके बादाम के कितनी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, कितनी क्वांटिटी में आपके कोलेस्ट्रॉल होता है, कितनी क्वांटिटी में मैग्नीशियम होता है, कितनी क्वांटिटी में डाइट्री फाइबर होता है, फैट होता है, और जो भी आपकी सामग्री से जो बादाम बनता है। तो भैया ये है आपकी पूरी टेबल। हाँ तो मेरे प्यारे दर्शकों, ये था हमारी वीडियो की समाप्ति। थोड़ा सा मेरे पास 4 बातों का ज्ञान था वो आपको दिया, हालांकि आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमने पूरी कोशिश की थी दिल से। और भैया अगर आपको वीडियो ज़्यादा ही पसंद आ गई हो तो भैया प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भैया घंटा बजा दीजिए तेज की, और भैया कोई क्वारी हो तो कमेंट कर देना। अब हम करते हैं अपना डांस।